कि आपके भी बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं, या आपको इस तरीके के पैटर्न अपने बालों में झड़ते दौरान दिखाई दे रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी वीडियो होने वाला है। अगर आप इंटरनेट पर 10 प्रकार के वीडियोस देख रहे हैं जहां पर आपको रेमेडीज बताई जा रही हैं, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है जिससे आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं, तो उन वीडियोस से थोड़ा सा विराम लीजिए और इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। ये बात मैं हर वीडियो में नहीं बोलता, लेकिन ये वीडियो का जो टॉपिक है हेयर फॉल, ये एक्चुअल में इतना सीरियस है कि अगर आप इस पर शुरुआत में ध्यान ना दें तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आपकी आगे जाकर के बड़ी हो जाएगी कि एक टाइम आएगा कि आपको पूरा सर खाली हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा मेरे साथ हुआ तो हुआ क्यों। मैं सारी चीज़ें ठीक कर रहा था, हर एक रेमेडी अप्लाई कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा हेयर फॉल रुका नहीं और बाल अब सर पर है नहीं। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी फ्यूचर में, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आयुर्वेद टीवी पर इस प्रकार की वीडियोस मैं और फ्यूचर में लेकर के आना चाहता हूँ, और अगर आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करेंगे कि आपकी क्या समस्या है, तो मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वीडियोस ला पाऊंगा, मेरे पास टॉपिक्स रहेंगे जिन पर मैं बात कर पाऊंगा, आपको कुछ बता पाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पाना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। बैकग्राउंड जो आप देख रहे हैं, ये अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी मुझे इसी तरीके से वीडियोज़ बनानी पड़ेगी, लेकिन जब हमारा ये काम ठीक हो जाएगा तो वीडियोज़ और भी ज़्यादा प्रोफेशनली आप जो है देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हेयर फॉल की। देखिए, हेयर फॉल सिर्फ मेरी नज़र में दो तरीके के होते हैं। एक होता है लाइफस्टाइल फैक्टर के कारण और एक होता है जेनेटिक। लाइफस्टाइल फैक्टर के कारण अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपने हेयर फॉल को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं। आपको थोड़ी सी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत न्यूट्रिएंट्स का आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपके बाल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। दूसरा जो फैक्टर है जेनेटिक, ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस है और इसको ट्रीट करना, ठीक करना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बैठानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। जहाँ तक बात रही लाइफस्टाइल फैक्टर की, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके डाइट में क्या चीज़ की कमी हो रही है। ज़्यादातर लोग अपने डाइट में प्रोटीन ठीक से नहीं ले रहे होते। इसके लिए अगर आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि आप वेजिटेरियन हो, ठीक है, वेजिटेरियन हो, इसके चलते आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा होगा, आप एग नहीं खा रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। आप अगर बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो ऐसी चीज़ों का भी आपके बालों पर इफेक्ट पड़ता है। बालों में डैंड्रफ की समस्या है, आप दिन भर धूप में रहते हैं, आपके बालों में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं धूल मिट्टी, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बाल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, बाल जड़ से जो है ठीक नहीं रह पाते। तो ये तो लाइफस्टाइल फैक्टर, अगर आप उन चीज़ों पर काम करें, देखें, तो आपके बाल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। कुछ आपको सप्लीमेंट थोड़ी मोड़ी लेने पड़ सकते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हेयर के जो एक्सपर्ट हैं उनके पास जा करके वो आपको जो सप्लीमेंट देते हैं आपके लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग देखते हुए, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अगर जेनेटिक आपकी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके बाल झड़ने का जो पैटर्न है वो किस तरीके स्टार्टिंग में क्या होता है कि इस तरीके से आपको एम पैटर्न दिखाई देगा और साथ ही साथ आपके क्राउन एरिया से भी बाल जा रहे होंगे। अगर आपको इस तरीके का हेयर फॉल का पैटर्न दिखाई देता है, तो ये जेनेटिक वाला है, ठीक है। इसके लिए आप ज्यादा वैसे खास कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट है जो कि इसमें काफी ज्यादा जो है आपके लिए यूजफुल साबित होते हैं। जहां तक जेनेटिक की बात रही, तो इसके लिए आपको अपने मामा, अपने नाना या फिर फादर या भाई के बाल को देखना पड़ता है, और वहां पर आपको समझ आता है कि अगर उनके बाल झड़ रहे हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके भी बाल झड़ेंगे। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता। इसके लिए कुछ चीज़ें बॉडी में काम कर रही होती जो आपके बाल झड़ने का कारण बनती है। सबसे पहले समझिए कि मेल्स में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये हार्मोन जब हमारे बॉडी में बनने लगता है, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, जिनका जेनेटिक हेयर फॉल हो रहा होता है, वो क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है DHT में, डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, और ये कन्वर्ट होता है एक एंजाइम के कारण जिसका नाम है 5-अल्फा रिडक्टेस। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर DHT की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी के लिए खराब है। तो आपको बता दूं, DHT देखा जाए तो बॉडी के लिए खराब नहीं है। एक मेल में अगर आपको देखे वॉइस की बात करें, या अगर आप जो मेल के जो फीचर्स होते हैं अगर आप उनकी बात करें, तो वो सारी चीज़ें आपकी तब आएंगी जब DHT आपके बॉडी में होगा। DHT कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन एक सर्टन एज के बाद अगर इसका ओवरफ्लो होने लगे, बॉडी जब ज़्यादा मात्रा में DHT बनाने लगे, तो ऐसे में क्या होता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है।
इसको अच्छे समझते हैं। मान के चलिए आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहां पर क्या होता है कि जब डीएसटी का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो वो हेयर फॉलिकल में जा करके जो है जमा होने लगते हैं, जिसके कारण वहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसके चलते क्या करते हैं हेयर फॉल करने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे सिंपल समझने वाली बात यह है कि अगर आपको अपना हेयर फॉल रोकना है, खासकर जेनेटिक हेयर फॉल अगर आपको रोकना है, तो उसके लिए आपको डीएसटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब डीएसटी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कुछ मेडिसिंस है जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला फिनेस्ट्राइड जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, साथ ही साथ आपको उसके साथ मिनोक्सिडिल भी यूज़ करना पड़ता है। अब फिनेस्ट्राइड जब आप यूज करते हैं तो इसको यूज करने के दो तरीके हैं जहां तक मैंने देखे हैं। पहला, ये डायरेक्टली आप मिनोक्सिडिल के साथ लोशन टाइप में आप लगा सकते हैं, या तो फिर आपको इसकी टैबलेट जो 1 mg की रहती है जो कि सेफ बोला जाता है, आपको उसे लेनी पड़ती है। तो अगर आप ये चीज करते हैं तो ऐसे में आपको क्या रहेगा कि इसके बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या करेगा कि जो डीएसटी का जो प्रोडक्शन है उसे कम कर देगा, और एक्चुअल में बताऊँ तो बॉडी में अगर 5-10% अगर डीएसटी नेचुरली बन रहा है तो वो ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप डीएसटी को एकदम ही बंद कर देंगे तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि लिबिडो कम हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये जो केसेस है ये रेयर है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअल में आपको इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ, ये देखा गया है कि कुछ लोग जो इसका यूज़ करते हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग फिनेस्ट्राइड यूज़ नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ इसके जो साइड इफेक्ट है उसको लेकर के, इसके चलते वो नेचुरली ट्रीटमेंट ढूंढने लगते हैं, जहां पर आपको अगर आप ढूंढे तो आपको पता चलेगा कि सौ पॉलवेटो बोल के भी एक सप्लीमेंट आता है जिसको आप ले सकते हैं। बट वो सारी चीजें आप तभी करें जब आपका डॉक्टर या फिर जो भी आपके हेयर के एक्सपर्ट है वो जब आपको सलाह दे। तो आप अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझना है, खासकर जेनेटिक, और जो मैंने आप पैटर्न बताई अगर इस तरीके का हेयर फॉल हो रहा है तो ये जेनेटिक वाला है, ठीक है। और खासकर ये आपको तब दिखाई देगा जब आपकी एज कम होगी, बहुत छोटी एज में होगी आप, कहने का मतलब 20, 22, 25 इस तरीके की एज में अगर आपको दिखाई देता है तो आपको समझना है कि ये जो है जेनेटिक है। आई होप आयुर्वेद टीवी का आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी से पूछा था कि क्या आप कुछ डाइट के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, क्या वेट गेन के रिगार्डिंग, तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया है। तो हो सकता है नेक्स्ट या इसका उसके नेक्स्ट वाला वीडियो मैं जो है डाइट के रिगार्डिंग डालूंगा, जहां पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिन्हें आप अपने डाइट में ऐड करके एक अच्छा खासा वेट गेन कर सकते हैं। तो चलिए आयुर्वेद टीवी का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस टाइप की वीडियो फ्यूचर में और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।